कि गन्नौर विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने बीजेपी और कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि उनके कामों पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। दीपेन हुड्डा उनको वोट काटू बता रहे हैं, जबकि इस बार गन्नौरवासी इन दोनों पार्टियों का गन्नौर से सफाया करेंगे। देवेंद्र कादियान जनता के बीच कराए गए अपने कामों के दम पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनकी सभाओं में कितना जन समर्थन उन्हें मिल रहा है और उनके दावों में कितनी सच्चाई है, गन्नौर के लोगों से और प्रत्याशी देवेंद्र कादियान से खास बातचीत की हमारी सहयोगी कविता शर्मा ने। बेहद दिलचस्प हो गया है। निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान कांग्रेस और बीजेपी का गणित बिगाड़ने का मादा रख रहे हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं, इस वक्त भी हम खेड़ी तगा गांव में हैं। यहां पर ग्रामीणों का भारी जन समर्थन और एक तरफा समर्थन देवेंद्र कादियान को आज दिया गया है। आखिर इतना प्यार, इतना जन समर्थन जो उन्हें मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? सीधा देवेंद्र कादियान जो कि यहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। देवेंद्र जी, इतना जन समर्थन, इतना जन आशीर्वाद। 12 तारीख को जब हमने नामांकन भरा था और गन्नौर की अनाज मंडी में एक ऐसा इतिहास रचा गया था जो ना पहले कभी ऐसा देखा गया और ना आगे उसकी उम्मीद है। गन्नौर हलके की 36 बिरादरी ने, तमाम जितने भी समाज हमारे यहाँ हैं, सभी धर्म के लोगों ने बढ़ चढ़ कर मेरे को दोबारा खड़ा किया। बीजेपी पार्टी ने तो मुझे राजनीतिक तौर पर मारने की कोई कसर छोड़ी नहीं थी। टिकट काट कर, पहले भी टिकट काटी 19 में, अब 24 में टिकट काटी, लेकिन मेरे अपनों ने, जिनके बीच में मैं 8.5 साल से हूँ, उन्होंने मुझे दोबारा खड़ा किया, मेरे आंसू पोंछे और उन्होंने कहा, बेटा आज से ये चुनाव आपका नहीं, ये हमारा चुनाव है, ये 36 बिरादरी का चुनाव है। और मैं समझता हूँ जो इतिहास उस दिन गन्नौर में रचा गया था, अब हर गाँव में, जिस गाँव में भी जाते हैं, क्या मातृशक्ति, क्या हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, सब बढ़ चढ़ कर कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और एक जोश और आक्रोश की स्थिति में ये लोग हैं और ये चाहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा आए थे गन्नौर, वो ये कह रहे थे कि ये तो सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, क्या जवाब देंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता आए थे जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, वो घबराए हुए हैं। पिछले दिनों जब हमारी ये रैली हुई तो उन्होंने जल्दी जल्दी आनंद फानंद में वो अपने राष्ट्रीय नेताओं के पास पहुंचे और हरियाणा के सबसे बड़े जो नेता हैं कांग्रेस से, उनसे वीडियो डलवाई कि भाई उनके समर्थन में। और मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि भाई आप वोट काटू नेताओं से बचें। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं उनको भी कि नेताजी, हम वोट काटू नहीं है, हम तो जिन बीमारियों से ये हल्का घिरा हुआ है, जिन बीमारियों से दोनों पार्टियां घिरे हुई है, हम तो रोग काटू है, बीमारी काटू है, हम रोग काटेंगे। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो मैदान में खड़े, वो अपनी उपलब्धियां कम आप लगते हैं आप पर, कि आपके एम्बुलेंस में शराब डोई जाती है, आप इस तरह के जो आरोप लग रहे हैं। देखिए, चाहे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी हो, वो उनके पास बीजेपी के लिए एक वर्ड भी नहीं है, वो सिर्फ देवेंद्र कादियान के बारे में बात करता है। चाहे बीजेपी पार्टी का प्रत्याशी हो, वो केवल देवेंद्र कादियान के बारे में बात करता है, उसके पास कांग्रेस के लिए कोई शब्द नहीं है। दूसरी बात, इनके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी बार बार बोल रहे हैं जगह जगह पर जाकर, जो देवा एम्बुलेंस सेवा है, इसमें कोई मरीज नहीं जाते हैं, इसमें केवल शराब ढोई जाती हैं। और हमारे जो होटल हैं, जो मेरे व्यापार हैं, मन्नत ढाबा, इनमें कोई रोटियां नहीं बिकती, कोई यहाँ पर खाना नहीं बिकता, यहाँ पर केवल नशे की तस्करी होती है, ट्रक चढ़ते हैं उतरते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये 5 तारीख तक चुनावी सीजन है, ये लोग, इनको हमने खुला छोड़ दिया है। गन्नौर हल्के के 21,000 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जिन्होंने देवा संस्था की एम्बुलेंस का लाभ उठाया है, ये लोग इंतजार कर रहे हैं 5 तारीख का। ये शराब ढोई जाती है कि मरीज ढोए जाते हैं, इस बात का जवाब 5 तारीख को ये जनता देगी। इस चुनाव में मुझे भी अपने कपड़ों के रेट का पता चल गया, मेरी गाड़ी का रेट बताया जा रहा है, मेरे जूतों का रेट बताया जा रहा है। ये बहुत अच्छा चुनाव है गन्नौर में, पहली बार ये हमारे बुजुर्ग ऐसा चुनाव देख रहे हैं कि भाई ऐसा चुनाव तो पहली बार देख रहे हैं। लेकिन एक अच्छी चीज ये है, ये दोनों लोग आज गन्नौर की हल्के की 36 बिरादरी के सामने, इनकी उंगली के सामने है, उस उंगली के सामने जिससे बटन दबने से ये दोनों बीमारी हट जाएंगी। सीधा पूछते हैं कि इनके दावे कितने खरे हैं? ये सताई बात है जी, ये सताई है जी। सिर्फ जो ना पब्लिक जो है ना, ये 5 तारीख की इंतजार कर रहे हैं, 5 तारीख आएगी तो हम सिलेंडर का बटन दबा कर बाकी भाई साहब को जिता लेंगे, सभी मौका देगी। और हमने कल लगभग खदरे के 28 गाँवों की पंचायत करी है और सभी गाँव के लगभग 10,000 आदमी उसमें खदरे के पहुंचे थे और खदरे ने पूरा जोर समर्थन भाई साहब का किया है। इंद्र कादियान है
उनके कामों को देखते हुए इनका जो जन समर्थन जन आशीर्वाद है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। वहीं जो प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अब लोगों के प्यार से गदगद होकर यहाँ की जनता से एक वादा कर दिया है कि अगर यहाँ की जनता उन्हें विधानसभा भेजती है तो वो गन्नौर को पेरिस बना देंगे। अब ये आने वाले 5 अक्टूबर को ही पता चलेगा कि गन्नौर की जनता का जो प्यार है वो वोटों में कितना तब्दील होता है। कविता शर्मा, टोटल टीवी, सोनीपत।